हमारी स्किन जो होती है, खासकर जो फेस की स्किन होती है ना, उसका स्पेशल ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? हमारी जो फेस की स्किन होती है वो ज्यादा एक्सपोज होती है। आप कपड़े पहनते हैं तो आपकी बॉडी की स्किन तो ढक जाती है, लेकिन फेस जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपोज रहता है। आपकी जो फेस की जो स्किन है उसकी अगर हम बात करें तो वो हार्मोनल चेंजेस से ज्यादा सेंसिटिव होती है। आपने देखा बहुत सारी लेडीज में जब वो मंथ के कुछ दिन आते हैं तो पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसीलिए आपकी जो फेस की स्किन है वो आपके हार्मोनल चेंजेस में बहुत ज्यादा उसको वो उस पर इफेक्ट करती है। दूसरी चीज, हम फेस के मसल्स का ज्यादा यूज करते हैं। हम अगर बात करें, हम बात करते हैं, हंसते हैं तो हमारे फेस के मसल्स जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिव काम करते हैं, इसीलिए हमें रिंकल्स, झुर्रियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो अगर हम फेस के मसल्स का, फेस के स्किन का ख्याल रखेंगे तो ही आपका जो फेस का स्किन है वो अच्छा होगा। इसके लिए हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका नाम है रेडियंट ग्लो फेस वॉश। ये रेडियंट ग्लो फेस वॉश जो है ये मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत डिफरेंट बनाया गया। क्यों? अगेन ये एक सोफ्री है, इसमें एक नेचुरल माइल्ड क्लींजिंग एजेंट डाला गया है जिसको हम अल्काइल पॉलीग्लाइकोलाइज कहते हैं। ये है क्या, आप याद रखिएगा हमारे बॉडी में हर एक बॉडी पार्ट का एक पीएच होता है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक पीएच मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। हमारा जो स्किन है ना उसका जो पीएच है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। मतलब क्या है कहने का, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट का एक पीएच है, अगर वो पीएच डिस्टर्ब हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है। तो हमारे जो बॉडी के स्किन पे बहुत सारी बैक्टीरिया वायरसेस हमला करते हैं, तो बॉडी का जो पीएच है वो अगर मेंटेन होगा तो ये सारी प्रॉब्लम से दूर रहोगे। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं वो क्या करता है, आपके स्किन के पीएच को, आपके चेहरे के जो त्वचा है, स्किन है, उसके पीएच को बैलेंस करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है माय डियर फ्रेंड, ये जो हमने इसमें एपीजी डाला है, अल्काइल पॉलीग्लाइकोलाइड्स डाला है, ये शुगर से निकाला जाता है। और ये एक न्यू जनरेशन का प्रोडक्ट है, एक ऐसा एक प्रोडक्ट है, एक ऐसी चीज है जो आपके स्किन से जो भी डस्ट है, जो भी ऐसी चीजें हैं, उसको बहुत ही माइल्ड तरीके से आपके स्किन से हटाता है। मार्केट में आपको शायद ही बहुत ही कम किसी प्रोडक्ट में ये आपको कंपाउंड दिखेगा। ये आपके जो स्किन है उसको ड्राई होने से बचाता है, एक अच्छा खासा फोम आपको ये देता है। जब आप इसको यूज करेंगे तो अच्छा खासा फोम, लेदर, झाग निकलता है। और ये कार्सिनोजेनिक, मार्केट के ऐसे बहुत सारे फेस वॉशेस होते हैं जिसमें ऐसे सर्फेक्टेंट होते हैं जो आपके स्किन को डैमेज करते हैं और आगे चल के कैंसर होने के चांसेस की भी चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो हमने ये चीज डाली है ये आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है और बहुत हल्के तरीके से, माइल्ड तरीके से चेहरे के डस्ट और उसको हटाने में मदद करता है। दूसरी चीज, आप जब फेस वॉश करते हैं और अगर आप दिन में दो बार तीन बार फेस वॉश कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है। तो इसमें हमने ग्लिसरिन डाला है जो आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता, उसका मॉइस्चर बरकरार रखता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा इसमें कुछ ब्लू ब्लू कलर के कुछ दाने हैं, वो क्या करते हैं, जो भी स्क्रब करने का काम करते हैं, मतलब जो भी डेड स्किन है उसको बाहर हटाने में मदद करते हैं। अब याद रखिएगा जब आपकी डेड स्किन हट जाती है तो आपके चेहरे पे एक नेचुरल शाइन आना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे भी अगेन फिर मैं वही चीज रिपीट करूंगी, ट्राई मिनरल कॉम्प्लेक्स, हमारे हर एक प्रोडक्ट में स्किन केयर में ट्राई मिनरल कॉम्प्लेक्स डाला गया है। क्यों? हमारे स्किन के अच्छे ग्रोथ के लिए हमें अपने जिंक, कॉपर एंड मैग्नीशियम, इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। तो अगर वो हमें खाने से नहीं मिल पा रहे हैं तो ये जो प्रोडक्ट है जब आप इसको लगाते हैं तो आपकी स्किन में ये मिनरल जो कमी अगर है तो उसको अच्छा करता है, आपके चेहरे पे एक ग्लो लाता है और आपके जो सेल्स हैं उसको रीजेनरेट करने में भी मदद करता है। अगर आपके स्किन में ये तीन मिनरल्स की कमी होगी तो सेल्स अच्छे से रीजेनरेट नहीं हो पाएंगे। तो रीजेनरेट जब होते हैं, जब नई स्किन आती है तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली जो है ग्लो है जो वो आने लगता है, इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम रेडियंट ग्लो रखा गया है। दूसरी चीज, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से समझिएगा। आप जैसा देख रहे हैं ये हमारी स्किन है, यहाँ पे बीच में एक चीज है जिसको हम NMF कहते हैं, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर। ये आप स्किन के बीच में देख रहे हैं ये ब्लू ब्लू कलर के कुछ सर्कल्स हैं, ये क्या करता है, आपकी स्किन में नमी को बरकरार रखता है, मतलब मॉइस्चर को मेंटेन रखने में मदद करता है। और ये अगर किसी के कम होने लगते हैं तो उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने लगती है। तो सोडियम लैक्टेट जो है वो क्या करता है, आपकी स्किन में मॉइस्चर को रिटेन करने में मदद करने में, उसको रखने में हेल्प करता है। तो जिनकी नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन है वो अपना ये रेडियंट ग्लो फेस वॉश लगाए, जिनकी ऑयली स्किन है वो अपना 3-in-1 फेस वॉश लगा सकते हैं। दूसरी चीज,
मार्केट के प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट कैसे बेहतर है। मैंने पहला आपको पॉइंट बताया, मार्केट में जो क्लिंजर होता है वो बहुत हार्ड होता है, आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। हमारे प्रोडक्ट में हमने माइल्ड क्लिंजर का इस्तेमाल किया है। मार्केट के आपको बहुत किसी भी फेस वॉश में, मार्केट के किसी भी फेस वॉश में आपको ये क्लिंजर के साथ, ट्राई मिनरल कॉम्प्लेक्स के साथ, मल्टी वाइटामिन कॉम्प्लेक्स के साथ आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। ये क्या करता है कॉम्बिनेशन, आपकी स्किन को तो अच्छा करता ही है, आपकी स्किन को रीजेनरेट भी करता है, आपकी स्किन पे ग्लो लाता है, और जो ऑयल ज्यादा निकल रहा है उसको कंट्रोल करता है। मतलब ये फेस वॉश आप लगा रहे हैं बस अपने फेस को क्लीन करने के लिए, लेकिन ये आपको उसके साथ मल्टीपल बेनिफिट्स देता है। ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। इसमें क्या चीजें आपको याद करनी है, सबसे पहले ये सारे स्किन टाइप के लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ऑयली स्किन वाले हैं तो अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम है तब आप 3-in-1 फेस वॉश पे जाइए। आप जब भी इसको लीजिए हाथ में अच्छे से लेकर एटलीस्ट 1 से 2 मिनट अपने फेस को अच्छे से रब करिए, ताकि जो भी डस्ट है और जो भी इसमें हमने मिनरल्स डाले हैं वो सारा अपना काम करे। तो इस तरीके से आपको इस प्रोडक्ट को यूज करना है, जिसका नाम है रेडियंट ग्लो फेस वॉश, जो आपके स्किन पे ग्लो लाता है क्योंकि डेड स्किन को हटाने में मदद।